इस साइड से प्लास्टर हो चुका है, इस साइड से अभी चालू है, इस साइड से होगा और इस साइड से होगा। लो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, पटाक से माशाल्लाह लाओ माशाल्लाह। गाइस मेरा काम है ऊपर से खींचना, नीचे से मसाला। और फिर चाचा दे रहे ईंट उठा के। और कन्हैया कूद के बैठ, चाचा की कूद के बैठ कन्हैया, पजल दे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस व्लॉग की शुरुआत हुई सुबह के 9:30 हो रही है। तो आई एम टकला बॉय, आप लोग टकला बॉय के नाम से मेरे को पहचान सकते हो। मैं अपना जो है कि सर कल मुंडन करवा दिया था, तो आज से मैं टकला बॉय हूँ, आप लोग टकला बॉय के नाम से जान सकते हो, विजय उर्फ टकला। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे, कुछ वहां पे काम चल रहा है, उस काम को आपको दिखाएंगे और आप लोग टकला को बताना टकला कैसा मेरा लग रहा है, कल ही इसको मुंडन करवाए अपने सर को, ठीक है। आज का क्या काम है वो सब ट्यूबवेल पे पता चलेगा, तो चलते हैं ट्यूबवेल पे, उधर ही मिलते हैं। तो हेलो जी, आई एम टकला बॉय, आ चुका है ट्यूबवेल पे। और पता है हमारे ट्यूबवेल पे काम बहुत सुबह ही से चल रहा था, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं, थोड़ा हम काम वाम में थोड़ा घर पे ब्लॉग अपलोड करने में थोड़ा ये हो गया ना, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। और ये पत्रा भी रख दिया गया, पत्रा रखा नहीं गया था बट आज ही रखा गया है। और इसको दिखाता हूँ, ये इतना नीचे ना गाइस, इतना ज़्यादा तपन करेगा ना गर्मी के वजह से, इसमें रहा नहीं जाएगा। ये देखो, इसे अंदर मसाला है और ऊपर से पतला रखा गया। तो चलते हैं, हमारा काम ये है, हमको ईटा देना है, से ईटा उठा के मेरे को देना है। ईटा उठा के ना दूँ ना तो थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो कंट्रोवर्सी हो सकती है ना गुड्डू। तो चलते हैं, और ये KTM बॉय, तो भी ना मैं चढ़ चुका हूँ पत्रा के ऊपर। इस पे ना मिस्त्री जी को ना ईंट वीट वगैरह खींच के देना होगा, मैं खींच के दूंगा। मसाला वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। अभी जैसे सीमेंट आ गया नीचे, मैं देता हूँ इसको, देखो ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना, सूरज की किरण आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी। ये देखो काम वाम है, इसे ही चल रहा है, इसी को बांधा जा रहा है दो ईंट से ऊपर ऊपर, पूरा चारों तरफ से बांधा जाएगा। तो आई हम दोनों टकला भाई दे रहा है सीमेंट। और लूलवा पेंसिल खाते तो नहीं, साहब हम लूल हो चुके हैं, हमको पेंसिल चाहिए, हमारा खर्च नहीं चल रहा है। ओ भाई ओ भाई, कन्हैया कूद के बैठ, चाचा की कूद के बैठ कन्हैया पजल दे से। भाई साहब इसको ना ऊपर चढ़ा के और तकलीफ में डाल दिए हम। मजे आ गए भाई, क्या सही है। लो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, पटाक से मसाला लाओ माशाल्लाह। गाइस मेरा काम है ऊपर से खींचना, नीचे से मसाला। और मिस्त्री जी का है दीवार को जोड़ना। और फिर चाचा दे रहे ईंट उठा के, और फिर भैया हैं, और इधर हमारे बड़े पापा लगे हुए ईंट को देने के लिए, साफ करके नीचे से मिट्टी में से निकाल के। मौसम हो रखा है काफ़ी ज़्यादा वेदर वाला मौसम हो रहा है गाइस, ये देखो एकदम मस्त वेदर जो है ना अभी निकलेगा। दोपहर के 1 बज चुका है, ऊपर वाला तो जो भी लाइन वगैरह जब चारों तरफ से जो बांधना था सीमेंट से वो तो बन चुका है, और नीचे बन रहा है एक छोटा सा स्विमिंग पूल अपने को पानी वगैरह चलाने के लिए, उसमें पानी वगैरह रुकेगा छोटा, उसको बोले अगर हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में तो छोटा सा गड्ढा है, एक छोटा सा हौदा यहाँ पे बन रहा है, वहाँ से पानी आएगा ट्यूबवेल का, वहाँ से पानी गिरेगा इसके अंदर, और इसके अंदर बनेगा मस्त, ये नहाने के लिए भी हो जाएगा और इसमें से नज़दीकी खेत में पानी भी चल जाएगा। इसके लिए अभी हम भी सुबह से खाना नहीं खाए हैं, बस एक मैंगो खा के आए थे। तो चलते हैं घर और खाना पीना करते हैं, फिर आएंगे तो मिलते हैं आप लोगों से आके यहीं पे। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, काम करने के लिए हम सभी जना आए हुए हैं, तो काम करना स्टार्ट करते हैं, छोटा सा स्विमिंग पूल बनना स्टार्ट अभी होगा। ये देखो मिस्त्री जी अपना काम जारी कर दिए हैं, अब चलते हैं सामान वामान ला के देते हैं, तो फिर काम अपना एकदम स्टार्ट होगा।
तो अभी अपना काम जो है ना बहुत ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत प्लास्तरा वगैरह हो रहा है। इस साइड से प्लास्तरा हो चुका है, इस साइड से अभी चालू है, इस साइड से होगा और इस साइड से होगा। एक साइड की तरफ से हो चुका है और तीन तरफ से होने वाला। यहाँ पे चारों तरफ से प्लास्तरा होना स्टार्ट हो, मतलब हो ही गया है, समझिए कि इसके ऊपर से बस क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर से क्या करना है, नाला मारेंगे नाला। तो हेलो जी, तो फिलहाल मैं काम वाम करके आ चुका हूँ घर के अंदर और इस टाइम फिलहाल रात के 8:30 बज रहे हैं। तो आई एम टकला बॉय को सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि रात को जब मैं वीडियो वगैरह कभी कभी एडिट रात को कर लेता हूँ, इधर मच्छर वगैरह इतना काटता है मत पूछिए भाई साहब। ये बड़ा वाला फैन है, ये इतना हवाई जहाज जैसे चलता है तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाता हूँ। रात को 10 बजे के बाद एकदम लेट जाता हूँ, पता नहीं क्यों 10 बजे के बाद मेरे को इतना तेज नींद लगती है भाई। 10 बजे सोता हूँ, सीधा 7 बजे 6 बजे सुबह उठता हूँ, सुबह में फिर ब्लॉग एडिट करता हूँ तो 10 बजे आता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं काम किया हूँ, ट्यूबवेल बनाया तो देखता हूँ आज ब्लॉग एडिट कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो जा रहा हूँ फिलहाल फ़ोन चार्ज करने के लिए, फ़ोन चार्ज होता है तो फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है यार भाई, एक्सपोर्ट करो आधा घंटा, उसके बाद एडिट करो, माता 25 का काम हो जाता है। अभी खाना वाना खाना है, सब कुछ बाकी है। तो चलते हैं आज के इस ब्लॉग को एड करते हैं एंड अपने मस्त। यूट्यूब स्टूडियो का हाल बहुत बुरा हो रखा है, पता क्यों बुरा हो रखा है, गर्मी का मौसम है और सब सामान ऐसे छितर बितर हो रखा है, क्या ही बोलूं यार भाई, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। मच्छरदानी का लगाने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मच्छरदानी को धुलवाना है भाई, इतना ज़्यादा गंदा हो गया। ठंड के मौसम में ऐसे ही टंगा हुआ था और अभी भी ऐसे टंगा हुआ है। ठंड के मौसम से इसको यूज नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे ही रखा हुआ था, लू बह रहा था ना तो उस टाइम पे मच्छर वगैरह सब मर गया था। अब बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा पैदा हो चुका है, तो भाई इसकी वजह से मच्छर काट रहे हैं, तो अब इसको सही करना पड़ेगा। कल परसों धुलवा देते हैं और फिर मच्छरदानी लगाएंगे। तो बस आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको टकला जी का व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ टकला जी के नाम पे एक लाइक कर दें और टकला जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय श्री राम। नहीं, ये तो है जय भोलेनाथ, बट जय श्री राम जी का मतलब श्री राम जी तो है ही नहीं यार, कहीं राम जी तो दिखाई नहीं दे रहे, बट कोई बात नहीं, सभी भगवान को दिल से मानता हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच।